वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग में। और अभी लंच होने लगा है जनाब, यानी कि दोपहर का खाना, 2:30 बज चुके हैं। और आज वैरायटी है पराठों की, सुबह भी पराठा, दोपहर को भी पराठा, शायद रात को भी पराठा ही होगा, है ना मामा? ये जनाब आलू गोभी की रोटी है, क्योंकि सालन बना था आलू गोभी वाला, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक अदद पराठे में। और साथ है जनाब मीठी रोटी, चीनी वाली, किस किस को मज़े की लगती है। और चाय बनी हुई थी, पहले मैंने इनकार किया, फिर जब मामा ने आवाज़ दी कि आलू वाला पराठा बना हुआ है गोभी वाला, तो मैंने कहा फिर पी लूँगी। और साथ ही ये अभी मोहल्ले से दाल आई है और तंदूर की रोटी आई है, तो काफ़ी कुछ है। सरो ज़रा सेर होके खाना खाते हैं। काफ़ी रेस्ट हो गया, 2 घंटे का चिल मार लिया सुकून से। और ये देखें, ये मेरे कबड की हालत, मतलब इसको कुछ अरसे तक ना मुझे दोबारा ठीक करना पड़ जाता है, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ। जब मैं ठीक करके रखती हूँ तब सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो 1-2 दिन तक चीज़ें भी सही रहती हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो जब नीचे वाला ड्रेस बाहर निकालना हो तो फिर ऊपर वाले का ये हाल हो जाता है। और वापस भी रखने हो तो मैं बस ऐसे मड़ोड़ के रख लेती हूँ, तय भी कर लेती हूँ कभी कभी। ये देखें, ये आपको तय नज़र आ रहा होगा, ये भी तय नज़र आ रहा होगा, लेकिन रखे हुए बस ऐसे ही हैं, तो इसको ज़रा ठीक कर लें, फारिग वक्त का फ़ायदा उठाया जाए। ये देखिए जनाब, काफ़ी मैंने सेटल कर दिया है इस खाने को, अब ज़रा सुधरा हुआ खाना, तमीज़दार खाना लग रहा है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हाल हो जाना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस दफ़ा ज़रा टाइम पीरियड लंबा हो जाए, 2 दिन से ज़्यादा हो जाए, तो ये सारा सेट रहे। मैंने फातिमा को बताया कि मैंने ये वाले जूते 750 के आए हैं, ये बेचारी इसके बाद नहीं, अब तो लेने ले ले, तो हम जा रहे हैं तीनों, फातिमा मैं और नमरा भी, तो अब जाके देखते हैं इसको इसकी पसंद का 750 का मिलता है या नहीं। ये फिर गया कुड़ी, तुम्हारे पास 1000 रुपया फातिमा, ये जहन में रखना भाई, इतनी महंगी महंगी छूट ली क्या है, ये वाले ले लो, चेक करिए। अब ये देखो मेरे वाले से ज्यादा उसकी, अब जब बताना नमरा कौन सा ज्यादा प्यारा है। मैंने पूछा कौन सा प्यारा, नमरा कहती ज़ाहिर है ग्रेस, तो फिर ग्रे की उसका अपना भी ग्रे है जी। डिसाइड हो गए, फातिमा को भी मैंने अपने जितने 750 के ले दिए। साइड पे आई थे तो उसके साथ ही यहाँ पे पाउंड स्टोर में भी हम ऐसे घुस के फॉर जस्ट टाइम, तो ये सेक्शन अच्छा लगा, हमने आगे भी टेस्टिंग कर लिया, लिया कुछ नहीं, लेना भी कुछ नहीं, बस टाइम पास, यू नो, मेकअप वाला सेक्शन और लड़कियाँ कनेक्शन तो फिर है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैं भाजी घर आ गए, और ये घर आके मुझे मेरी भांजी यानी कि फातिमा तो मुझे रोटी बना के दी है गरम गरम, वाह जी वाह, मैं तो ना बना के देती। ये दूसरी भांजी खीरे काट के लाई है, थैंक यू। और कल के बाद मैं अब शूट कर रही हूँ दोबारा से, और आज भी शाम के 5:30 बज चुके हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि कल मेरे भाई का मतलब वो स्लिप हो गया था और फ्रैक्चर्स हुए हैं काफ़ी, अब भी वो हॉस्पिटल एडमिटेड है, मामा और वहीं गई हुई हैं और तारेमान भी, और मुझे कह के गई थी कि शाम के लिए कुछ बना लेना। और ये मसाला बनाने के लिए मैंने पानी, प्याज पानी डाल के रख दिया है, मुझे लगता है मैंने पानी काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, और साथ ही आलू काटे और अंडा भी डाल दूँगी। और अभी ऑपरेशन मेरे ख्याल से हो रहा होगा, आई थिंक सो, और आप दुआ कीजिएगा कि जल्द अज जल्द भाई जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और अल्लाह पाक सबको मोहताजगी की ज़िंदगी से महफूज रखे, बचा कर रखे। ये ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे भाई के लिए खसूसी तौर पर कि जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई का ऑपरेशन बखैर वाफियत हो गया है, और अभी भी वो हॉस्पिटल गया, लेकिन मैं नहीं जा सकती, मैं सिर्फ़ एक चक्कर लगाया था, कल इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो अभी वो जो मैं मिस्टर मार्ट से लेकर आई थी ना चीज़ें छोटी मोटी खाने पीने की, उसमें से सिर्फ ये बचा है पैकेट सलवा नीमकों का, तो लास्ट पैकेट है, और आज थर्सडे है, तो इतने दिन मैंने इसको संभाल के रखा है, लेकिन आज मैंने कहीं खा ही लेती हूँ। मैं स्कूल से वापस घर जा रहे थे तो यहाँ से बाइक जनाब खराब हो गया, तो पता नहीं किधर गया, कहता तुम इधर ही खड़ी हो, सिर्फ मैं बकरियाँ ले आए इसमें बैठ के जाना। पैदल मार्च स्टार्ट, घसीट के लेके जाएगा घर, तो आ गए अब इधर की खुद ही मकैन क्या करने लगा, पता नहीं सही कर पाएगा कि नहीं। ओ
टूट ही गया। मान अपनी बाइक इधर ही खड़ी करके पापा की बाइक लेकर चला गया था और भाई जो है हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गया। और ये व्लॉग मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना और भाई के लिए दुआ भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।